ये रामलला को अर्पित करने के लिए हमारे सिंध प्रांत पाकिस्तान से श्री रहड़की साहब से ये वस्त्र आया है, जिसको हम लोग आम तौर सिंधी भाषा में अजरक कहते हैं। ये वस्त्र सिंधी समाज के लिए सम्मान का प्रतीक है और इसका प्रयोग सिंधी समाज जो है काफ़ी समय से करते आ रहा है। जब से सिंधी समाज का अस्तित्व है तब से इस वस्त्र का अस्तित्व है। 500 साल बाद की तपस्या के बाद आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। सिंधी समाज समय समय पर अपना समर्पण करता आया है, चाहे चांदी की ईंटें हों, चाहे अनेकों नदियों का जल हो, चाहे अनेकों मंदिरों की मिट्टी हो। तो इस समय अयोध्या का सिंधी समाज ये वस्त्र श्री राम लला को 2 दिसंबर को अर्पित करने जा रहा है, जो सिंध समाज के द्वारा सिंध प्रांत के पाकिस्तान के श्री रहड़की साहब से आया है। ये एक अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूं, कुछ समय पहले हमारे अशोक जी आए थे तो उनसे ये विचार रखा गया कि जो सिंध का पारंपरिक वस्त्र है उसको यहाँ पे किसी भी प्रकार से मंगवा कर रामलला को अर्पण किया जाए। तो उन्होंने हम लोग के संत बाबा आसुदा राम साहब शिव शांति आश्रम साहब में वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ के पूज्य साईं हरीश लाल जी के माध्यम से यह अयोध्या की पावन धरती पे आया। अब 2 दिसंबर को ही पूज्य साईं मोहन लाल जी, जो हम लोग के परम गुरुदेव श्री चांडू राम साहब जी के सुपुत्र हैं और हरीश लाल जी के बड़े भाई हैं, उनकी उपस्थिति में ये दिव्य वस्त्र रामलला को समर्पित किया जाएगा। ये वस्त्र एक तो सिंधियों के सम्मान का प्रतीक है, उसके बाद एक इसकी ये खासियत है कि आप ये जितना भी आपको देखने में हल्का लगेगा उतना ही ये गर्म है, इसीलिए इसको शीतकालीन वस्त्र कहा जाता है और ज़्यादातर इसको सर्दियों में ही उपयोग में लाया जाता है। और जितने भी हम लोग के चाहे प्रभु झूलेलाल जी हों या और भी हम लोग के जितने भी इष्ट देव हैं, तो सब में जो है इसी वस्त्र के इसका उपयोग किया जाता है उनकी पोशाक बनाने में।